सारे गामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। हाय हेलो व्हाट्स अप एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं लेके एक और ऐसी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं आज जिस शहर की, वो है इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी जकार्ता। अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लोग ज्यादातर बाली विजिट करते हैं, जकार्ता को एक स्टॉप ओवर डेस्टिनेशन बना लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जकार्ता अपने आप में एक बहुत ही कमाल की डेस्टिनेशन है विजिट करने के लिए। इंडोनेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री कहा जाता है इसे, जहां पर 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स एक साथ हैं। यहां के जावा आइलैंड्स में कंट्री की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है और यह वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड भी है। इंडोनेशिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री। यहां के आइलैंड्स में अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग हैबिट्स, रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं। जकार्ता इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, पर बाली में हिंदू इन्फ्लुएंसर्स भरे पड़े हैं। आइलैंड हॉपिंग करते टाइम आप ये भी नोटिस करेंगे कि वहां के टेरेन्स और क्लाइमेट्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। क्योंकि इंडोनेशिया के 17,000 आइलैंड्स इक्वेटर के दोनों साइड्स में स्प्रेड हैं, इसीलिए यहां पर वेदर मोस्टली सेम रहता है पूरे साल। इंडोनेशिया में सीजन्स हैं वेट सीजन और ड्राई सीजन, समर या विंटर के कोई एक्सट्रीम्स नहीं। ड्राई सीजन होता है अप्रैल से अक्टूबर और नवंबर से मार्च तक होता है वेट सीजन। पर क्योंकि ये ओशन के पास है, इसलिए यहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। एवरेजेस टेम्परेचर होते हैं 28 से 30 डिग्री के बीच और माउंटेन रीजन्स का टेम्परेचर 23 डिग्री के आसपास रहता है। जकार्ता जाने के लिए इंडिया से वेरियस फ्लाइट ऑप्शंस हैं, जो आपको डायरेक्टली या एक स्टॉप ओवर लेके जकार्ता में लैंड करवा देंगे। जकार्ता का एयरपोर्ट सिटी के आउटस्कर्ट्स में है और एयरपोर्ट से शहर जाने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर पॉसिबल हो तो जकार्ता ऐसे टाइम पे लैंड करें जब पीक ऑफिस आवर्स ना हो, क्योंकि फिर वहीं ट्रैफिक जाम आपको जकार्ता में भी मिलेगा। एयरपोर्ट से सिटी तक आने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन है सोकार्नो हाटा एयरपोर्ट ट्रेन। ये एक मॉडर्न ट्रेन सिस्टम है जो एयरपोर्ट से बीएनआई सिटी तक सिर्फ 55 मिनट में आपको पहुंचा देता है, और इसी दौरान आप ट्रेन से जकार्ता की स्काईलाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रेन की टिकट्स की परचेज के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स ही इस्तेमाल हो सकते हैं। ट्रेन के अलावा आप सिटी टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं। इस सफर में आपको लेकिन 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा। जकार्ता में ट्रैवल करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है ऐप बेस्ड बाइक्स। जी हाँ, हमारे यहाँ पे जैसे ऐप बेस्ड टैक्सीज है, वहां पे ऐप बेस्ड बाइक्स ऑपरेट होती है। इंडिया के जैसे ही जकार्ता में भी बहुत सारे टू व्हीलर्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग ट्रांसपोर्टेशन। शहर में पहुंचते ही आप इन राइड शेयरिंग कंपनीज के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हेलमेट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे वो, पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन वॉलेट्स यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं, एंड आपका काम आसानी से हो जाएगा। जकार्ता के ओल्ड सिटी एरियाज जैसे कि चाइना टाउन में टैक्सी ले जाना हमेशा फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की सड़कें काफी नैरो हैं, ट्रैफिक ज्यादा होता है। ऐसे टाइम पे ये ऐप बेस्ड बाइक्स इज द बेस्ट ऑप्शन। जकार्ता की एक्सप्लोरेशन चलिए आइए शुरू करते हैं और बहुत ही एलिगेंट जगह से स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। ये है 132 मीटर ऊंचा पिलर, बनाया गया था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के ऑनर में, और इसका नाम है द नेशनल मॉन्यूमेंट। इस स्ट्रक्चर को नीचे से एडमायर कर सकते हैं और स्टेयर्स के जरिए ऊपर तक जा सकते हैं। जकार्ता का एक स्टनिंग व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। ये मॉन्यूमेंट ट्यूसडे से संडे तक पब्लिक के लिए ओपन रहता है और उसकी फी लगभग $1 के आसपास है। इस मॉन्यूमेंट में जाने का सबसे अच्छा समय सुबह 8 बजे, जब गर्मी कम हो, और या फिर आप जा सकते हैं सनसेट से एकदम पहले, और वो जो मेजमराइजिंग व्यू है उसका आनंद आप ले सकते हैं। इसका नाम ओल्ड बटाविया भी है और ये जकार्ता शहर का एक डाउनटाउन एरिया हुआ करता था कई साल पहले, जब यहां पर डच रूल था। इसीलिए यहां की बिल्डिंग्स में आपको डच आर्किटेक्चर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखेगा। कोटाटुआ एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहां पर कैफेज, रेस्टोरेंट, म्यूजियम्स, शॉपिंग ऑप्शंस और लाइव स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस आपको देखने मिलती हैं। मैंने कोटाटुआ का टूर स्टार्ट किया था फताहिला म्यूजियम से कम 23,000 ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन वहां मुझे देखने मिलता है। इस म्यूजियम में एंशियंट इंडोनेशिया की कलेक्शंस दिखाई जाती हैं और ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स डच ईस्ट इंडिया कंपनीज से होंगे जो इंडोनेशिया में राज करते थे। 2 लेवल के इस म्यूजियम में आपको एक्सक्विजिट फर्नीचर, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स देखने मिलते हैं और पूरा टूर लगभग 1 घंटे में कंप्लीट होता है। म्यूजियम के नीचे आपको दिखेंगे डंजन्स, जहां प्रिजनर्स को और एम्यूनिशंस को स्टोर किया जाता था।
म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर में आपको एक छोटी सी सुविनियर शॉप दिखेगी जहां पे आप इंडोनेशिया ब्रांडेड ऑब्जेक्ट्स परचेज कर सकते हैं। म्यूजियम की एंट्री और एग्जिट के सामने ही आपको कई सारे रेस्टोरेंट कैफे दिखेंगे और आपको दिखेगा एक ओपन सीमेंटेड ग्राउंड। ग्राउंड में गवर्नमेंट ने बहुत ही कलरफुल साइकिल्स रखाई हैं और उन साइकिल्स को आप यूज कर सकते हैं। ये साइकिल्स इतनी सुंदर हैं कि आप झट से इनमें चढ़कर मार्केट एरिया में या तो फोटोग्राफी करना चाहेंगे या फिर आप इन बाइसाइकिल्स को राइड करना चाहेंगे। और कई सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पर जो आर्किटेक्चर है वो बहुत पुराना है, 1850 में बनाई गई बिल्डिंग है उन रेस्टोरेंट की, पिछले 20 साल से वो रेस्टोरेंट ऑपरेशनल है। और जब आप उस रेस्टोरेंट एरिया में जाते हैं जो ग्राउंड के बिल्कुल साथ है, मैंने जैसा बताया, आपको कई सारे स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी मिलेंगे। कोटा टूआ एक्सप्लोर करने के बाद मैं गया था नेशनल म्यूजियम, जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इस म्यूजियम की इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हिंदू माइथोलॉजी का कलेक्शन कमाल का था, बहुत बड़ा था। एंशियंट इंडोनेशिया में हिंदू और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने मिलता है। बाली, जो कि एक पॉपुलर बीच डेस्टिनेशन है, हिंदू इन्फ्लुएंसेस से भरा पड़ा है। जावा, बाली, सुमात्रा और बोर्नियो, यहां के कलेक्टेड आर्टिक्राफ्ट्स आपको इस नेशनल म्यूजियम में डिस्प्ले पे देखने मिलते हैं। म्यूजियम का पूरा टूर करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि दिन में थोड़ी ज्यादा गर्मी होती है तो सिटी एक्सप्लोरेशन के लिए रात का टाइम बेहतर है। रात में देखने के लिए आप चाइनाटाउन जा सकते हैं, जो यहाँ के लोकल्स ग्लोदक के नाम से जानते हैं। जकार्ता के चाइनीज इमिग्रेंट्स ने यहाँ अपने रूट्स एस्टैब्लिश किए हैं और अब चाइनाटाउन जकार्ता सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉपिंग और फूड हब है। चाइनाटाउन में ऑब्वियसली सामान ज्यादातर मेड इन चाइना होता है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बार्गेनिंग अलाउड है और आपके साथ लोकल्स हैं तो आप और ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू। चाइनाटाउन का प्रोमिनेंट एरिया है इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, जहां आपको ब्रांडेड और अनब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कम प्राइसेस में मिल सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स मोस्टली मेड इन चाइना होते हैं और जनरली इनमें आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी। छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज खरीदने के लिए इट्स अ नाइस प्लेस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी। लेकिन एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि हाई एंड फोन्स एक्सेट्रा यहां से खरीदना अवॉइड करें, क्योंकि आपको शायद यहां वारंटी ना मिले। जकार्ता से 1.5 घंटे की बोट राइड पे आप जा सकते हैं थाउजेंड आइलैंड्स की ओर। थाउजेंड आइलैंड्स में एक आइलैंड है टाइगर आइलैंड। जकार्ता के मरीना से आप बोट हायर कर सकते हैं और ये बोट आपको 1.5 घंटे में टाइगर आइलैंड में ड्रॉप कर सकती है। टाइगर आइलैंड में एक रिजॉर्ट है जहां आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। आइलैंड बहुत ही छोटा है और शायद 5 मिनट में चलकर आप इसे कवर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 5 मिनट की तो वॉक है, अब इसमें पूरा दिन कैसे स्पेंड होगा? वेल, यहां पे 2 आइलैंड्स हैं। आइलैंड के क्रिस्टल क्लियर पानी में आप स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, स्विमिंग, काइकिंग कुछ भी कर सकते हैं। होटल से आप इक्विपमेंट रेंट पे लें और स्नॉर्कलिंग करने के लिए निकल लें। कोरल्स और एक्वेटिक लाइफ को ऑब्जर्व करने का मजा ही कुछ और है यहाँ। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए आप स्पीड बोट्स और कायाक तक का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इफ यू आर अ गुड स्विमर, आप स्विम करके भी जा सकते हैं। आइलैंड में आपको टेबल टेनिस खेलने मिलेगा, योगा स्पॉट्स मिलेंगे, म्यूजिक और इंडोर गेम्स जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज। बहुत ही सुंदर जगह है और आपको यहाँ पे बैठने का, चिल करने का मन डेफिनेटली करेगा। चलिए वापस चलते हैं मेनलैंड जकार्ता, जहां पर अब देखने वाली जगह है अनकोल ड्रीमलैंड। ये इंडोनेशिया का सबसे बेहतरीन थीम पार्क है। इस पार्क में बोलिंग अरीना, फैंटेसी वर्ल्ड, ओशन ड्रीम समुद्र, वाटर पार्क एडवेंचर, रोलर कोस्टर राइड्स, एक्वेरियम्स और बीचेस सब कुछ देखने मिलता है। इनके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफे, फूड कोर्ट्स आपको यहाँ देखने मिलते हैं। ओशन ड्रीम समुद्र एक एनिमल शो वेन्यू है, जहां पर एक छोटा सा एक्वेरियम है और 4D थिएटर भी है। इस एरिया की हाईलाइट ये है कि यहाँ पर गोंडोला राइड, जैसे कि इंडिया के गुलमर्ग में है, ये गोंडोला राइड एक स्काई लिफ्ट केबल कार सिस्टम है और इसमें 37 कार्स बने हैं। ऊपर से आपको पूरे एरिया का एक बेहतरीन पैनोरमिक व्यू यहां मिलता है। शॉपिंग करने के लिए कुछ अमेजिंग डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि मेंटांग फ्ली मार्केट। ये फ्ली मार्केट है इंडोनेशियंस का फेवरेट पास टाइम। यहां के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं वुड कार्विंग आर्टिफैक्ट्स एंड विनाइल रिकॉर्ड्स। बात करते हैं जकार्ता के क्यूजीन की। सबसे पॉपुलर है नासी गोरेंग और आपको स्ट्रीट फूड शॉपिंग्स में ही ट्राई करना चाहिए। गोरेंग एक कमाल का फ्राइड फूड है। इफ यू आर नॉट ऑन डाइट, यू कैन ट्राई दिस। इनफैक्ट मीट डंपलिंग्स इज वन ऑफ द थिंग दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई। एक चाइनीज डिश है जहां बाक पाओ, ओरिजिनली एक चाइनीज डिश है जो यहाँ के लोकल्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट।
एक और डिश है जिसे कहा जाता है कीटोप्राक जाकरा, एक वेजिटेरियन डिश है जिसमें राइस केक, बिहून, बीन स्प्राउट्स, कैबेज, ये सब डाल के बनाया जाता है. सो दैट यू कैन ट्राई. डेजर्ट्स में आप ट्राई कर सकते हैं मार्ताबाक, विच इज बेसिकली अ सॉफ्ट स्टफ्ड पैनकेक, और इसकी अलग अलग वेराइटीज मिलती हैं. मार्ताबाक बनती है कंडेंस्ड मिल्क, चीज और नटेला से. आखिर में आप ट्राई कर सकते हैं कोपी लुआक, एक बहुत ही एक्सपेंसिव कॉफी है, लेकिन ये कॉफी जो है कमाल होती है. ये बनती है किविट कैट्स के द्वारा, ये बनती है बिल्लियों के एक्सक्रीट किए हुए कॉफी बीन्स के द्वारा. जो आपने गेस किया, एग्जैक्टली उन्हीं कॉफी बीन्स के जरिए कॉफी बनती है. इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स हाईली पॉपुलर एंड इट्स रियली रियली गुड. फिलहाल जकार्ता के लिए मैं इतना ही आपको बता सकता हूं. अब आपको ये डिसाइड करना है कि कब आप जकार्ता का वो एक चक्कर लगाने वाले हैं. अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात. कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग. ये मीनू है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये प्रशांत है मेरा. तेरा? चली? चली? हाँ, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था यार यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे. चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे. ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले है जिसमें मैं भी और तुम भी. हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है. धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल. देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल. देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल. हाँ, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था यार यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे. चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे. ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले है जिस